छात्रों, आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 11वीं वाणिज्य विषय के अंतर्गत हम इकाई 2 में अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे थे, व्यवसायिक संगठन के स्वरूपों के अंतर्गत, जिसमें एकल स्वामित्व, एकल व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी और सहकारी समितियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। पांचवें स्वरूप कंपनी के अंतर्गत अभी हमने जाना था कंपनी की परिभाषा, कंपनी से आशय, कंपनी की विशेषताएं, कंपनी के गुण, उसके महत्व एवं उसके दोष। अब यहाँ हम देखेंगे कि कंपनी के प्रकार कौन कौन से होते हैं या कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। फिर जानेंगे निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनियां क्या कहलाती हैं, उनमें अंतर क्या है, कंपनी के गुण या लाभ या महत्व क्या हैं, कंपनी के दोष या सीमाएँ क्या हैं, कंपनी तथा साझेदारी में अंतर क्या है। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं कि कंपनी के प्रकार कौन कौन से हैं। अभी यहाँ पर कंपनी का जो वर्गीकरण हमने किया है, पांच प्रकार से किया है। सममेलन निर्माण के आधार पर, दायित्व के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर और जनता की रुचि के आधार पर। तो यहाँ हम सबसे पहला जो इसका प्रकार है, सममेलन अथवा निर्माण के आधार पर। तो सममेलन अथवा निर्माण के आधार पर, जैसे नंबर एक, राज्य आज्ञा पत्र के द्वारा। ये कंपनियां जो होती हैं, ये विशेष राज्य आज्ञा पत्र या सरकार के विशेष शाही आदेश के अंतर्गत स्थापित की जाती हैं। जैसे हमारे भारत देश में 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो उस समय जो तत्कालीन राजा महाराजा थे, उन्होंने इनको कंपनी की स्थापना करने की अनुमति प्रदान की थी। ये कंपनियां जो हैं, विशेष प्रयोजन से या अधिक अधिकार देकर इनको स्थापित किया जाता है। फिर दूसरा प्रकार सममेलन निर्माण से संबंधित है, संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा। इस कंपनी की जो स्थापना है, संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक हमारे यहाँ, जीवन बीमा निगम, एयर इंडिया और भी विभिन्न कंपनियां हैं जो संसद के द्वारा विशेष अधिनियम जो बना हुआ है उसके अंतर्गत इन कंपनियों की स्थापना की जाती है। फिर कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। तो सामान्यतः ऐसी कंपनियां जिनकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, तो ये सममेलन अथवा निर्माण के आधार पर। दूसरा प्रकार है दायित्व के आधार पर। तो पहला दायित्व के आधार पर, जिसमें है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य यहाँ पर, इस कंपनी के जो भी सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के द्वारा कंपनी की पूंजी में जो उनका हिस्सा अंश के रूप में लगा हुआ है और उस अंश का जो मूल्य है, उस अंश के मूल्य तक ही वो कंपनी के जिम्मेदार होते हैं, कंपनी के दायित्वों के जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से इस कंपनी में सदस्यों का दायित्व जो है, उनके द्वारा चुकाए गए अंशों के मूल्य तक सीमित रहता है। दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। इस कंपनी में सदस्य कंपनी के समापन की दशा में पूर्व निश्चित राशि के भुगतान की गारंटी लेते हैं। यहाँ जो कंपनी के सदस्य हैं, जब कंपनी के समापन हो रहा है, तो जो भुगतान के अंतर्गत पूर्व निश्चित राशि है जो उनको करना होगी, उसकी वो गारंटी लेते हैं। और तीसरा जो प्रकार है यहाँ, असीमित दायित्व वाली कंपनी। इस दशा में कंपनी के जो सदस्य होते हैं, उनके जो दायित्व होते हैं, वो कैसे होते हैं, असीमित होते हैं। अर्थात उनकी लायबिलिटी जो है, उनके द्वारा चुकाए गए अंशों के मूल्य तक सीमित नहीं होती है, वो कहलाते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनी। इसके बाद हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। तो पहला है सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी वो कहलाती है जिसकी चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा केंद्र या राज्य सरकार के पास होता है। अर्थात ऐसी कंपनी जिसकी कुल पूंजी का हिस्सा आधे से ज़्यादा 51% केंद्र या राज्य सरकार के पास हो, वो सरकारी कंपनी कहलाती है। फिर दूसरा, गैर सरकारी कंपनी। तो गैर सरकारी कंपनियां वे सारी कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनी
नहीं है, वो कहलाती गैर सरकारी कंपनी। फिर स्वतंत्र इकाई वाली कंपनी, इस प्रकार की कंपनी जो है इनके ऊपर किसी अन्य कंपनी का नियंत्रण नहीं होता, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ये स्वतंत्र इकाई वाली कंपनी कहलाती है। फिर सूत्रधारी कंपनी, ऐसी कोई कंपनी अन्य कोई कंपनी जिस पर अपना नियंत्रण रखती है और उस अन्य कोई कंपनी का उस कंपनी पर आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी उसके पास होती है, वो कहलाती है सूत्रधारी कंपनी। फिर सहायक कंपनी, जिस कंपनी के ऊपर दूसरी कंपनी का नियंत्रण होता है वो कंपनी सहायक कंपनी कहलाती है। तो ये पांच प्रकार के यहाँ स्वामित्व के आधार पर हैं कंपनी के प्रकार, फिर राष्ट्रीयता के आधार पर, घरेलू या देसी कंपनी। तो जिस कंपनी का जन्म भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या भारतीय विशेष अधिनियम से होता है वो घरेलू या देसी कंपनी कहलाती है, अर्थात जिस कंपनी की स्थापना भारत देश में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुई वो घरेलू या देसी कंपनी। फिर विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी वो कंपनी कहलाती है जिस कंपनी का पंजीयन या समामेलन भारत से बाहर हुआ है वा वो अपना व्यवसाय भारत में करते हैं, तो ऐसी कंपनी जो है विदेशी कंपनी कहलाती है। ये राष्ट्रीयता के आधार पर दो कंपनियां हैं, घरेलू देसी या विदेशी कंपनी। तीसरा प्रकार है जनता की रुचि के आधार पर, जो आम जनता की रुचि के आधार पर कंपनी बनती हैं, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। तो इस कंपनी में कंपनी के अंश पूंजी के लिए आम जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता, निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है, इसमें प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा होना अनिवार्य रहता है। इस कंपनी की जो अंश पूंजी होती है ये आम जनता के द्वारा नहीं लगाई जाती है, इसमें जो निजी कंपनी के जो सदस्य होते हैं, कंपनी के जो सदस्य हैं, सिर्फ उन्हीं सदस्यों की पूंजी इसमें लगी होती है। तो इस कंपनी में कंपनी के अंश पूंजी के लिए आम जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता। दूसरा है सार्वजनिक कंपनी, इस कंपनी में कंपनी के अंश पूंजी को आम जनता के लिए निर्गमित किया जाता है, अर्थात इस कंपनी में पूंजी लगाने के लिए आम जनता को निमंत्रित किया जाता है। फिर एक व्यक्ति कंपनी, वो कंपनी कहलाती है जिसमें एक ही अंशधारी होता है और वो अपने बाद किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, यहाँ पर मालिकाना हक उस एक ही अंशधारी का होता है, उसी की स्वयं की अपनी पूंजी होती है और उसके बाद उसका अपना नियुक्त किया हुआ उत्तराधिकारी होता है। तो यहाँ हमने जाना कि कंपनी के जो पांच प्रकार हैं उसमें समामेलन अथवा निर्णय निर्माण के आधार पर कंपनी, दूसरा दायित्व के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा राष्ट्रीयता के आधार पर और पाँचवा जनता की रुचि के आधार पर, जिसमें निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी प्रमुख हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि निजी कंपनी क्या कहलाती है, प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने अंशों को जनता में निर्गमित नहीं करती है, अर्थात निजी कंपनी की जो पूंजी है उस पूंजी में हिस्सा लगाने के लिए आम जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता। जो कंपनी के सदस्य हैं वही लोग इस कंपनी में अपनी पूंजी लगाते हैं, उन्हीं की उस कंपनी में हिस्सेदारी होती है, आम जनता की इसमें हिस्सेदारी नहीं होती। तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी वो है जो सदस्यों के अंश हस्तांतरण के आधार अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, अर्थात इसमें निजी कंपनी के जो सदस्य हैं वो अपने अंशों का हस्तांतरण दूसरों को नहीं कर सकते। फिर दूसरी जो है, इसमें न्यूनतम दो भूतपूर्व या वर्तमान को कर्मचारियों को छोड़कर अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं, अर्थात इसमें अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। तीसरा है जो अपने अंश या ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती। जैसा कि अभी बताया कि निजी कंपनी में जो अंश पूंजी को खरीदने के लिए आम जनता को या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आम जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता, जो उसके सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा अंश और ऋण पत्र खरीदे जाते हैं, और जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1,00,000 रुपये या इससे अधिक होती है और समय समय पर ये क्या होती है, परिवर्तित हो सकती है। और एक और प्रमुख चीज़ इसमें है, जो निजी कंपनी कहलाने के लिए अंतर नियमों का पालन करना आवश्यक है और ऐसी कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना होना अनिवार्य है, अर्थात निजी कंपनी वही कहलाएगी जिसमें प्राइवेट लिमिटेड शब्द
लिखा होगा। तो यह है निजी कंपनी क्या कहलाती है, इसको हमने जाना। इसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक कंपनी जिसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी है जो अपने अंशों को जनता में निर्गमित करके उन्हें पूंजी में अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित करती है, वो कहलाती है सार्वजनिक कंपनी। तो यहाँ पर अधिनियम के अनुसार ये बात कहते हैं कि सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। अतः सार्वजनिक कंपनी वह है जिस पर आम जनता को इसके अंश व ऋण पत्र को खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात इसकी अंश पूंजी जो है आम जनता में निर्गमित की जाती है। फिर न्यूनतम सदस्य संख्या जो है कम से कम 7 होना चाहिए, अधिकतम सदस्य संख्या की कोई सीमा नहीं है। ये कंपनी की पूंजी के आधार पर, अंश पूंजी के आधार पर निर्धारित करती है कि कितने सदस्य इसमें हो सकते हैं। तो न्यूनतम कम से कम 7 तो होना चाहिए, अधिकतम की सीमा नहीं है। फिर जिसकी न्यूनतम दत्त पूंजी पेड अप कैपिटल 5,00,000 रुपये या इससे अधिक होती है, वो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। और इसमें सार्वजनिक कंपनी के जो सदस्य हैं उनके ऊपर अंशों के हस्तांतरण पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात जो आज उस कंपनी के सदस्य हैं, जिनके पास उस कंपनी के अंश हैं, वो कभी भी अपनी मर्जी से किसी दूसरे को अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक निजी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक होती है वो भी सार्वजनिक कंपनी की श्रेणी में आती है। तो यहाँ हमने जाना कि सार्वजनिक कंपनी क्या कहलाती है। इसके बाद और हम इसको विस्तार से जानने के लिए दोनों में अंतर देखते हैं। सदस्य संख्या की बात करें तो निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य संख्या होना चाहिए। फिर प्राइवेट निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या जो यहाँ पर 50 है, अधिकृत सदस्यों की संख्या, अंशों की संख्या जो है वो कितनी भी हो सकती है। फिर अंशों का आवंटन, निजी कंपनी में निगमन के पश्चात अंशों का आवंटन किया जा सकता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम आवेदन राशि प्राप्त होने के पश्चात ही जो है अंशों पत्रों का आवंटन उनको किया जाता है। न्यूनतम आवेदन राशि क्या है, जो आवेदन का हमने कुछ हिस्सा जो न्यूनतम निश्चित किया है, उतनी राशि जब हमें प्राप्त हो जाती है तब हम उन्हें आवंटित कर देते हैं। फिर अंशों का हस्तांतरण, निजी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण जो है वो प्रतिबंधित होता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। अंशों का हस्तांतरण जो है इसमें स्वतंत्रता पूर्वक हम कर सकते हैं। फिर निजी कंपनी में निवेशकों की निवृत्ति आवश्यक नहीं है। निजी कंपनी में जो हैं जो निदेशक हैं उसके जो डायरेक्टर हैं उनकी निवृत्ति आवश्यक नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 1/3 निदेशक पारी पारी से रिटायर होते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि निजी व सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के गुण, लाभ या महत्व। नंबर 1 है सीमित दायित्व, अंशधारी से अंशों के अंकित मूल्य से अधिक राशि की मांग की नहीं की जा सकती। यहाँ पर सीमित दायित्व की स्थिति में से आशय है यहाँ पर कि जब अंशधारी से अंशों के अंकित मूल्य से अधिक राशि की मांग नहीं की जा सकती, अर्थात अंशधारी ने अंशों के जो अंकित मूल्य चुकाया है वो उसका दायित्व जो है उस अंकित मूल्य तक ही निश्चित होता है। फिर विशाल पूंजी, कंपनी की पूंजी कम मूल्य वाले अंशों में बटी होने से कम पूंजी वाले निवेशकर्ता भी हिस्सेदार बन जाते हैं, और छोटी छोटी हिस्सा पूंजी से कंपनी के पास विशाल वित्तीय साधन एकत्रित हो जाते हैं। फिर अंशों की हस्तांतरणशीलता, कंपनी में अंशधारी जो हैं कभी भी अपने हिस्से को दूसरे को हस्तांतरित कर देते हैं, इससे विनियोग में तरलता बनी रहती है। फिर अस्तित्व में स्थायित्व, कंपनी का जीवन काल जो है कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, अंशधारियों की मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर कंपनी के अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात इसमें अंशधारी आते जाते बने रहते हैं लेकिन कंपनी स्थायी रूप से कार्य करती रहती है। फिर कुशल प्रबंध, कंपनी के पास पर्याप्त वित्तीय साधन होते हैं अतः वो योग्य कुशल एवं अनुभवी प्रबंधकों को नियुक्त कर कंपनी की प्रबंध संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं।
फिर जनता का विश्वास। कंपनी समय पर अपने अंतिम खातों विवरणों को प्रकाशित करती है व लेखों का अंकेक्षण स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से कराती है, जिससे जनता कंपनी के आर्थिक स्थिति पर विश्वास करती है। फिर जोखिम का फैलाव, कंपनी की सदस्य संख्या अधिक होने से जोखिम का बंटवारा कुछ लोगों पर ना होकर अनेक लोगों पर होता है, जिससे जोखिम प्रति व्यक्ति कम हो जाता है। यहाँ पर जो है कंपनी में बहुत सारे सदस्यों की संख्या होने से जो सदस्यों का जो जोखिम है वो सभी सदस्यों पर बढ़ जाता है, जिससे प्रति व्यक्ति जोखिम क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये है कंपनी के गुण, लाभ या उसके महत्व। अब यहाँ हम देखेंगे कंपनी के कुछ दोष भी हैं, उसकी सीमाएं भी हैं, जैसे स्थापना करने में कठिनाइयाँ। तो कंपनी की जब हम स्थापना करते हैं तो बहुत सी कानूनी औपचारिकताओं का हमें पालन करना होता है, क्योंकि कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जाती है। साथ ही इसकी स्थापना का जो व्यय है उसमें भी बहुत खर्च होता है। साथ ही बिना विषय विशेषज्ञ की सलाह के कंपनी की स्थापना करना संभव नहीं होता, अर्थात कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर यदि चाहे कि वो कंपनी स्थापित कर ले तो ऐसा करना संभव नहीं होता। फिर दूसरी बात आती है प्रवर्तन में छल कपट। प्रवर्तन में छल कपट से तात्पर्य जब कंपनी का जन्म होता है तब क्या करते हैं कंपनी के जो प्रवर्तक हैं, कंपनी को जो जन्म देने वाले, कंपनी को जो बनाने वाले हैं, वो क्या करते हैं कंपनी के प्रवर्तक कंपनी का भविष्य उज्ज्वल दिखाकर आम जनता को पूंजी लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इससे निजी स्वार्थ के लिए वो जनता को धोखा दे सकते हैं। तो प्रवर्तन में छल कपट। फिर प्रबंध में अंशधारियों की उपेक्षा। कंपनी के कुछ अंशधारी अपने को निर्वाचित कराकर कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, बाकी अंशधारियों को उनके इशारे पर चलना पड़ता है। यहाँ संचालक अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। तो यहाँ जब कंपनी के कुछ अंशधारी अपने को निर्वाचित कराकर कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, इसका मतलब बाकी अंशधारी जो है वो उन संचालककर्ताओं के नियंत्रण में उन्हें कार्य करना होता। फिर सट्टेबाजी। कंपनी के प्रबंधक जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने अंशों के मूल्य में हेरा फेरी करवाते हैं, जिससे सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पर प्रबंधकों को तो लाभ होता है परंतु अंशधारियों को हानि होती है। फिर बड़े आकार के व्यवसाय के दोष। कंपनी का आकार बड़ा होने के कारण उसका प्रबंधन जो है कुशलतापूर्वक नहीं हो पाता, जिससे लागत क्या है अधिक आती है और कंपनी व जनता दोनों को हानि होती है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण, कंपनी का संचालन कहने भर के लिए लोकतांत्रिक है, वास्तव में इसका संचालन कुछ लोग ही करते हैं। थोड़े से लोग ही अधिकांश पर नियंत्रण रखते हैं तथा वे अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। तो कंपनी में चूंकि बहुत सारे सदस्य होते हैं, सभी जो सदस्य हैं वो कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसका संचालन है वो कुछ लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो वो लोग अपने हिसाब से कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। तो ये कंपनी के दोष या कंपनी की सीमाएं थी। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी तथा साझेदारी में अंतर क्या है। यहाँ हम देखेंगे समामेलन व पंजीयन। तो कंपनी का जो समामेलन व पंजीयन होता है इसकी स्थापना जो है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जाती है। यहाँ पर कंपनी का पंजीयन रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, अनिवार्य है। जबकि बात करें हम साझेदारी में तो साझेदारी की स्थापना जो है सरलता से बिना किसी कानून प्रतिबंध के की जा सकती है और इसका पंजीयन अनिवार्य नहीं है। यदि हम इसका पंजीयन कराते हैं तो हमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार इसका पंजीयन कराना होता है। तो यहाँ पर पंजीयन कराना जो है ऐच्छिक है साझेदारी में, जबकि कंपनी में अनिवार्य है। फिर पूंजी की बात करें हम तो कंपनी बड़ी मात्रा में अंशों को निर्गमित करके बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित कर सकती है। कंपनी जो है अपने पूंजी के भाग अर्थात अंश को आम जनता में निर्गमित करती है और बड़ी मात्रा में अंश के माध्यम से पूंजी को एकत्र करती है। साझेदारी में साझेदारों द्वारा प्रदत्त सीमित पूंजी प्राप्त हो पाती है, अर्थात साझेदारी में जितने साझेदार हैं
उन साझेदारों के द्वारा जो पूंजी दी गई है उतनी ही पूंजी प्राप्त होती है। तो यहाँ कंपनी में पूंजी की मात्रा बड़ी ज़्यादा होती है, साझेदारी में कम होती है। फिर सदस्य संख्या की बात करें हम, तो निजी कंपनी में कम से कम 2 तथा सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होना चाहिए। और वहीं निजी कंपनी में जो है आपके अधिकतम 50 सदस्य और सार्वजनिक कंपनी में कितने भी सदस्य हो सकते हैं। तो निजी कंपनी में सदस्य संख्या कम से कम 2, अधिक से अधिक 50, वहीं सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। जबकि साझेदारी में न्यूनतम सदस्य संख्या जो है कम से कम 2 और सामान्य साझेदारी में कम से कम अधिकतम 20 सदस्य होना चाहिए। वहीं बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। फिर वैधानिक अस्तित्व की बात करें हम, कंपनी का जो अस्तित्व है वो अपने सदस्यों से अलग होता है। वहीं साझेदारों के अंतर्गत साझेदारी का अस्तित्व जो है अपने सदस्यों से पृथक एवं भिन्न नहीं होता। तो कहने का आशय यह है कि कंपनी की दशा में यदि सदस्य अलग भी हो जाते हैं तो भी कंपनी यथावत काम करती रहती है, दूसरे सदस्य आ जाते हैं जबकि साझेदारी में ऐसा नहीं है। साझेदार हैं तो साझेदारी है, साझेदारी है तो साझेदार है। तो यहाँ पर दोनों का जो अस्तित्व है साझेदारी का वो आपस में अलग नहीं है, साझेदार और साझेदारी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। दायित्व की बात करें हम, तो कंपनी के अंशधारियों का दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। अर्थात जो अंशधारी हैं, जो सदस्य हैं, उनके द्वारा जो अंश पर अंकित मूल्य चुकाया गया है उसी अंकित मूल्य तक के वो जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ उनका दायित्व जो है अंकित मूल्य तक सीमित है। जबकि साझेदारी का दायित्व जो होता है वो कैसा होता है, असीमित होता है। अर्थात उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अतिरिक्त उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग भी साझेदारी में किया जा सकता है। फिर अस्तित्व में स्थायित्व, कंपनी का अस्तित्व जो है वो स्थायी होता है। सदस्य संख्या इसमें जो है सदस्य आते जाते बने रहते हैं लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। वहीं साझेदार का अस्तित्व जो है स्थायी व शाश्वत नहीं होता। अर्थात साझेदार जो है वो अलग यदि हो जाते हैं तो साझेदारी खत्म हो जाती है। फिर हितों का हस्तांतरण, कंपनी में अंशधारी अपने हित का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक अंशों के क्रय विक्रय के साथ कर सकते हैं। जबकि साझेदारी में एक साझेदारी फर्म में अपने हितों का हस्तांतरण एक साझेदार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि कंपनी और साझेदार के बीच में, साझेदारी के बीच में क्या अंतर है, समामेलन पंजीयन के रूप में, पूंजी के रूप में, सदस्य संख्या के रूप में, वैधानिक अस्तित्व के रूप में, दायित्व के रूप में, अस्तित्व में, स्थायित्व के रूप में और हितों के हस्तांतरण के रूप में। अब यहाँ अभ्यास के संबंध में कुछ प्रश्न हैं आपके, जिनका आप अभ्यास कर कॉपी में नोट्स तैयार करेंगे। तो अभी हमने जो अध्ययन किया कंपनी के विभिन्न प्रकारों को समझाना है, इसमें जो हमने आपको प्रकार बताए थे, समामेलन निर्माण के आधार पर, दायित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर और जनता की रुचि के आधार पर, तो ये कंपनी के जो विभिन्न प्रकार हैं इनको आपको लिखना है। फिर निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी क्या कहलाती है इसको आपको परिभाषित करना है। फिर एक निजी कंपनी व एक सार्वजनिक कंपनी आपस में किस प्रकार से भिन्न है, इनके बीच में क्या अंतर हैं इसको आपको स्पष्ट करना है। फिर कंपनी के गुण या कंपनी का महत्व क्या है इसको आपको नोट करना है। एक कंपनी के दोष क्या है, उसके हानि क्या है उसको आपको वर्णन करना है। और अंत में कंपनी एवं साझेदारी दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको आपको लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमने व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत कंपनी के जो प्रकार हैं, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और कंपनी के जो गुण हैं उसके महत्व हैं, कंपनी के जो दोष हैं और साथ ही कंपनी एवं साझेदारी में जो अंतर हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना।